नमस्कार, पीएसएम के इस नए टॉपिक में अब हम बात करेंगे कोल्ड चेन्स के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग के बारे में। कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन वह फार्म जिसके द्वारा वैक्सीन्स को स्टोर किया जाएगा और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं एक खास टेम्परेचर पर ही। यहां पर हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वैक्सीन्स के डिपॉट्स, प्रोवाइडर ऑफिसर्स और लास्ट में क्लाइंट तक पहुंचते पहुंचते हमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना है और वह टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर उस बेबी तक हमें जहां हमें वैक्सीन्स लगाना है वहां तक वो मेंटेन रहना चाहिए। इसीलिए कोल्ड चेन इज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन्स एट अ रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज। कोल्ड चेन याद रखना है, टेम्परेचर +2 से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक हमें मेंटेन करना होता है। अधिकतर मामलों में हमें मिनिमम इतना टेम्परेचर तो मेंटेन करना ही है। इस मकसद के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों के बीच के डिफरेंस को भी समझना जरूरी है। यहां पर हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रंट ओपनिंग रेफ्रिजरेटर्स को देख रहे हैं। इस इमेज को थोड़ा सा और जूम करें तो हम देख पाएंगे कौन सी जगह पर क्या रखा गया है। आप इमेज में देखें तो सबसे नीचे जो ये पोर्शन है ये है बॉडी का, जिसमें यहां निचले हिस्से में हेपेटाइटिस बी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन्स, टिटनस टॉक्सॉइड, डीपीटी, ये सभी नीचे रखे जाएंगे। इतना ही नहीं, इसी जोन में हम बनाए गए वैक्सीन्स को भी रखेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसी जोन में आप यहां पर देखिए बीसीजी और मिजल्स के जो रिकंस्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए वैक्सीन्स होते हैं वो भी बॉडी में ही रखे जाते हैं और उन्हें एक बार बनाने के बाद विद इन 4 आवर्स इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं निचले हिस्से में इन्हें रखा गया है। मिडिल हिस्से में आप यहां पर देखें तो बीसीजी का वैक्सीन्स और मिजल्स का वैक्सीन्स इस हिस्से में रखा जाता है। फ्रीज ड्राइड जो पाउडर होता है उसे बीसीजी और मिजल्स का वो बीच के हिस्से में रखा जाएगा, निचले बॉडी वाले पार्ट्स में बाकी सारे। और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ओपीवी वैक्सीन्स रखा गया है। तो आप देखें ना, यहां पर ये मिजल्स यहां पर है और बीसीजी है। मैंने आपको बताया भी था सबसे ऊपर रखेंगे ओपीवी को। इसके साथ ही साथ पेंटा वैलेंट जो वैक्सीन्स हैं वो भी ओपीवी वाले ही लेवल पर रखे जाते हैं। एक बार फिर से पैटर्न आप देख लें, जिन्हें सबसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है उन्हें ऊपरी हिस्से में रखा जाता है। जब आप आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स को देखेंगे तो यह पैटर्न जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहां आप देख रहे हैं हेप बी को सबसे नीचे रखे हुए, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ओपीवी को, जबकि आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर्स में इससे जस्ट अपोजिट बात होगी। यहां पर देखिए ओपीवी सबसे नीचे रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है हेप बी, बीच में आप देख रहे हैं बीसीजी और मिजल्स को रखा गया है। आप देखिए मिजल्स और बीसीजी बीच में, सबसे ऊपर हेप बी, इसी के साथ ही साथ टीटी, ये सारी की चीजें आप देख रहे हैं ऊपर की ओर रखे गए हैं, ओपीवी सबसे नीचे की ओर रखा गया है। और दोनों के अरेंजमेंट में बिल्कुल एक दूसरे से उल्टी बात हमें देखने को मिलती है। तो चलिए उन सारी चीजों को रिकॉल करते हैं, एक डिजाइनिंग बनाने की कोशिश करते हैं। आइस बॉक्सेस यानी जो फ्रीजर वाला पार्ट है जिसमें ओपीवी को रखा जाता है सबसे ऊपर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, इसके अलावा आइस बॉक्सेस को वहां पर रखते हैं, रोटा वायरसेस को वहां पर रखते हैं, पेंटा वायरसेस को रखते हैं, मिजल्स और बीसीजी को उसके नीचे बॉडी में, माफ कीजिएगा रोटा यहां नहीं रखेंगे, बॉडी में पेंटा को रोटा को ऊपर रखेंगे, पेंटा को नीचे रखेंगे। मैंने बोला था पेंटा ऊपर नहीं रहेगा, पेंटा नीचे रहेगा। इसके अलावा डीपीटी, टीटी और सबसे नीचे की ओर आप
हेप बी को रखते हैं। इसी रीजन में आप इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को भी रख सकते हैं और रिकंस्टिट्यूशन से बनाए गए फ्लुइड्स जैसे मिजिल्स और बीसीजी के जो वैक्सीन बनाए गए हैं उनको भी सबसे निचले हिस्से में ही बॉडी वाले पार्ट्स में रखते हैं। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स में जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन होगा, रखने का पैटर्न पूरी तरीके से उल्टा होगा। आप यहां पर देखिए सबसे नीचे की ओर यानी सबसे कोल्ड टेम्परेचर पर आप आइस बॉक्स, उसी के हिस्से में आप ओपीवी वैक्सीन, उससे ऊपर मिजल्स और यहां पर आप टॉप में बाकी सभी को रखेंगे। टॉप में आपको रखना है हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा बाकी सभी जितने भी वैक्सीन है वो टॉप में रखे जाएंगे जैसे जैसे कम टेम्परेचर की जरूरत होगी। पूरा का पूरा पैटर्न डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से अपोजिट होता है, इस बात को ख्याल में रखना है। और तो टेम्परेचर का सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन वो होगा जो लाइव होता है, तो इसमें ओपीवी वैक्सीन सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, उसके बाद मिजल्स, मिजल्स से कम होता है बीसीजी। ये पैटर्न याद रखना है और रिकंस्टिट्यूटेड बीसीजी को हमें विद इन 4 आवर्स इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बना लेने के बाद 4 घंटे के भीतर हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यह सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है रिकंस्टिट्यूटेड बीसीजी। वैसे इन जनरल पूछा जाए तो ओपीवी सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है, उसके बाद मिजल्स, मिजल्स के बाद बीसीजी। यही वजह है कि सबसे लो टेम्परेचर वाले जोन में हम ओपीवी को रखते हैं, उसी के आसपास मिजल्स और उसके बाद बीसीजी। तो यहां पर हीट सेंसिटिव वैक्सीन हमें समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं हेपेटाइटिस बी का, इसीलिए हम इसे लोवेस्ट मीन्स कंपेरेटिवली हायर जोन में रखते हैं। हेपेटाइटिस बी वाले को हम हायर जोन में रखते हैं क्योंकि ये मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है, इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद हम वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग पर बात करेंगे। यहां वैक्सीन के वायल्स पर कुछ डिजाइनिंग होती है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।